खुद महाफिज जो है वो एक स्टार्टअप था जो कि साने आर्मी पब्लिक स्कूल से इंस्पायर्ड था। हमारा ऐसा मानना था कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, टीचर्स को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। और अगर उस वक्त भी हमारे बच्चे सेल्फ डिफेंस ट्रेंड होते तो जो नुकसान हमने उस दिन उठाया वो कुछ कम हो सकता था, कुछ बेहतर हो सकता था, एटलीस्ट इतना कि हम किसी के लिए जो है वो एक तर निवाला ना रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सालों की मेहनत के बाद आप अब जो है वो अल्लाह पाक ने उसका एक समर देना शुरू किया है कि इस वक्त खुद महाफिज़ के अम्ब्रेला के अंदर हज़ारों बच्चे, जिसके अंदर पौश इलाकों से लेके यतीम खानों तक के बच्चे शामिल हैं, जिसके अंदर स्कूल से लेके मदारिस तक के बच्चे शामिल हैं और जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, और हर उम्र के अफराद के लिए खुद महाफिज़ ने डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट मेंटल और फिज़िकल वेलनेस एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। हमारे पास लोग इस वक्त फैमिलीज़ की सूरत में, इंडिविजुअल्स की सूरत में, कॉर्पोरेट सेक्टर की सूरत में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट कर रहे हैं अब, और कौम इस चीज़ को, इस नज़रिए ज़रूरत को समझ रही है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ठीक होना किस कदर ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तो ये उमर हसन जो इसके सीईओ हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया खुद महाफिज़ के लिए। प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पर आया हूँ, जैसे इसे कॉम्पैक्ट और बट यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये आर्चरीज़ करवा रहे हैं, शूटिंग्स करवा रहे हैं, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा रहे हैं जो हमारे लिए मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए माशरे की एक ज़रूरत बन चुका है। और इनफैक्ट इनके जो एक कॉज है वो जिसके कॉज में काम कर रहे हैं, जो ये अंडर प्रिविलेज और जो ऑफन है, जो यतीम खाने के जो बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया अभी रिसेंटली। उस इवेंट के लिए मैं इनको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा कि उसको बड़ा रिगार्ड्स किया गया और वो एक अच्छा कॉज है। उस कॉज के लिए मैं ये कहूँगा कि सबको उसके अंदर अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मास्टर में देने की ज़रूरत है। आई एम हेयर टू विद हिम कि हम इनको थोड़ा सा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और इनके साथ जो है ना इस चीज़ में शोल्डर टू शोल्डर चलें ताकि इस कॉज के लिए जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं और जो यतीम खाने के बच्चे हैं और जो इनफैक्ट हमारे जो एक माशरे के जो बच्चे हैं जिनकी एक बेसिक नीड्स है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ आजकल से मोबाइल तक रह गई है, बच्चों को उस फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, फिजिकली जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वो उतने रहे नहीं हैं बच्चे, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। सो वी वर प्लानिंग एक्चुअली टू गो फॉर वाटर स्पोर्ट्स, बट माई सिस्टर, आई मीन शी जस्ट डिस्कवर्ड अबाउट दिस खुद महाफिज़ about this archery and all this one, and I am very much fond of, because in Saudi Arabia I am involved in swimming and also squash, so I just wanted to have some sort of a new experience, and my children also wants to have that type of experience, so that's why we came here. It's my first time and I must say it's a very awesome experience, not only for me, for all of them, and we would like to continue in future also. And for that we would like to continue with all such type of thing, because it not only gives me a pleasure but also it gives us the strength, a mental strength, physical strength, which is nowadays very crucial for all the young generation, irrespective of your caste and creed and gender, to protect yourself, and not from enjoyment point of view but also from self defense point of view. So that's my thing, and we are very happy now. Although it's our first time and we spent only 2 hours, but it seems to be that we have fulfilled our money now. मैं हूँ आयशा वकार। मैं यहाँ आर्चरी और शूटिंग मतलब एयर गनिंग के लिए आई थी। मुझे एयर गनिंग ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आता है और आर्चरी भी अच्छी होती है क्योंकि जब मुझे निशाने मारने का बहुत शौक होते हैं, इसलिए लाइक जब टारगेट पे आते तो बहुत अच्छा होता है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और फिर एयर गनिंग शूटिंग में भी थोड़ा सा झटका लगता है लाइक यहाँ, लेकिन बहुत मज़ा आता है। माय नेम इज़ असद अलमुगान और मैं यहाँ पर आर्चरी और शूटिंग के लिए आया था। मुझे लाइक शौक था शूटिंग आर्चरी का, जब मुझे अबू ने बताया था लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो शूटिंग के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पिस्टल में मज़ा आया था, लाइक जो बने हुए ना ये बैलेट्स, जब आवाज़ आती है लाइक उस बहुत यू नो मज़े का उसका लाइक एक्सपीरियंस आता है। और आई होप दैट नेक्स्ट ईयर जब हम आएँगे, हम फिर से इधर आएंगे, फिर से उससे लाइक अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, और लाइक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। हम सऊदी अरब से आए हैं, सऊदी अरबिया वाज फर्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुलूद इमाम। हम लोग ना दुबई से इधर आए हैं एक्चुअली, और शूटिंग करने हम लोग आए हैं। देखिए बहुत मज़ा आया, जो भी प्रोग्रेस नहीं हो पाया फिर से हो सकता है इंशाल्लाह, हम लोग फिर से आएंगे इधर, व्यू करेंगे। मैं आप लोग को बोलूँ अगर आने इधर आ भी सकते हैं। इधर शूटिंग चूज़ किया क्योंकि हम लोग का शौक था, फिज़िकल स्टंट बनानी चाहिए ना। देखिए फिज़िकल स्टंट बनाएंगे, फिर इनसाइड का भी बिल्डअप होता है ऐसे करते करते,
फिर जो भी मिस्टेक्स होंगी उनसे सीख सकते हैं, फिर और कर सकते हैं। शूटिंग में भी बहुत मज़ा आया, सेफ्टी के लिए, फिज़िकल स्टंट के लिए, पैशन के लिए। आगे की प्लान है कि मैं कुछ ना दुनिया को कुछ चेंज करना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ, प्रूव करना चाहती हूँ कि हम सब लोग, एज अगर छोटी भी है या नहीं, हम लोग अंदर से ताकत पर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा इमाम है। सो हम लोग यहाँ पहली दफ़ा आए हैं। सो शूटिंग और आर्चरी की हमने इस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यह है कि लाइक फ़ौरन नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा हो जाता है। सो मुझे आर्चरी ज़्यादा अच्छी लगी, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा करी थी सब में। लाइक यू नो फिज़िकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है। सो आहिस्ता आहिस्ता यू कैन लाइक रियली डू इट गुड। मेरा नाम इबाद है और मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैंने अभी आर्चरी खेली है। आर्चरी में बहुत बहुत मज़ा आया। मुझे मार्शल आर्ट्स एंड बैट बॉल एंड फुटबॉल का बहुत शौक है। मेरा नाम मरियम है और मैं एक साल से ताइक्वांडो कर रही हूँ और आज मेरी फाइट हुई है तो मैं और भी सीखूँगी। जीतती भी हूँ और हारती भी तो हूँ। ज़्यादातर मैंने अभी ज़्यादा नहीं खेली, अभी मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हूँ तो अभी पढ़ाई ज़्यादा है।